योगी जी तो मारे हैं, बच्चों का फ्यूचर ही बर्बाद कर दिए हैं। जी मैम, चाणक्य ने कहा है जिस प्रदेश या जिस देश का राजा पुत्रहीन होता है उस देश का प्रगति नहीं हो सकता। और ये दिखा दीजिए, ये देश के वो युवा हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार इनसे सेवा लेने को तैयार नहीं। ट्रेनिंग करा के घर बैठा चुकी है। हाँ, क्या कह रहा है, 5.5 लाख रुपया जमा करो, दिया एक पैसा नहीं वापस, 5.5 लाख। आपने नौकरी नहीं दी, उल्टा पैसा मांग रहे हैं, कहाँ से ले आए, कहाँ से लेके आए। एक साल की ट्रेनिंग की, एक साल की ट्रेनिंग करने के बाद हमें घर बैठा दिया गया, कुछ नहीं बोला गया। अब सोच लीजिए कि एक ट्रेनिंग की, एक साल ट्रेनिंग कर चुके, उसके बाद घर भेज दिया गया, कुछ बताया नहीं गया। तब से हम लोग 15 महीने से घर पे बैठे हुए हैं, सरकार कुछ नहीं सुन रही है, रोजगार का तो ये हालत है। और आपको मैं बताता हूँ, हम लोग का केस 5 फरवरी को रिजर्व हुआ था, अभी तक ये उच्च सर्वोच्च न्यायालय में रिजर्व है और लगभग 9 महीने हो गए हैं ये ऑर्डर डिले। घर वाले आस में बैठे होंगे कि बेटा को नौकरी लग गई। अब आपको वर्दी पहन के हम लोग घर पे अब ऐसे घूम रहे हैं, वर्दी पहन के, एक साल हम लोगों ने वर्दी पहन के ड्यूटी दिया, सीसीए एनआरसी में ड्यूटी किया, होली में दिए थे लखनऊ में, हम लोगों का उसमें डिफेंस एक्सपो में ड्यूटी लगी, हम लोग मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में थे, हर जगह सिक्योरिटी में थे, लेकिन अब हमें घर बैठा दिया गया, कुछ नहीं बताया गया। वर्दी कहाँ है, अब घर पे टंगी हुई है, और क्या करेंगे बताइए, या तो उसको जला दें, क्या करेंगे बताइए। एक साल से हम 15 महीने से घर बैठे हुए, क्या करेंगे। आप फ्रस्ट्रेशन लेवल समझ सकती हैं, जो 15 महीने से जिसको ना सैलरी है ना कुछ है, रोजगार का ये हालत है, आप सोच लीजिए रोजगार का क्या हालत है। वालों का भी प्रेशर होगा थोड़ा, बहुत घर वाले का, शादी विवाह स्थिति ऐसी कहीं कहीं आस पड़ोस के लोग ये ना बोले कि फर्जी दिखा। हाँ, ये बोलते हैं ऐसा कि फर्जी दरोगा भाई, जो एक साल से घर बैठा तो बगल वाला तो कहेगा ही भाई ये तो फर्जी गए हुए थे, को तो साफ बोलेगा, उसको तो थोड़ी ना। यहाँ तक गए हैं कि पैसा देके गए थे और पैसा कैंसिल हो गया है। और 2016 की हमारी भर्ती है, 2016 की भर्ती सबसे पहले 16 में, हम बता रहे हैं क्रमवज आपको बता दें, 16 में भर्ती था, 17 में एग्जाम लिए हैं, 18 में हम लोग का रिजल्ट आया, 19 में ट्रेनिंग भी भेजा, 19 और 20 में हम लोग का कंप्लीट हुआ है, 12 महीने की। और हम लोग जुलाई में, 20 जुलाई में घर वापस भेज दिया इन्होंने, और अभी तक हम लोग बस भटक रहे हैं। अब मैम बताइए, हम लोग को AK-47 इंसास हर राइफल की ट्रेनिंग दी गई है, और हम लोग ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं, हम लोग का कोई माई बाप नहीं है, रोजगार का ये हालत है। सोच लीजिए, एक आदमी को जिसको आप वेपन की ट्रेनिंग दे चुकी है, उसको आप खुले में छोड़ सकती है, तो मतलब आपके दिमाग में कुछ खुरापात तो नहीं चल रहा है मैम। आप घर बैठेंगे, आपके घर, आपको अगर निकाल दिया जाए यहाँ से, आपके दिमाग में खुरापात नहीं बैठेगा। आप बताइए, आप ही बताइए, आप आज रोजगार कर रही हैं, अगर आपको कल घर बैठा दिया जाए, आप 2 साल से घर बैठे रहे, आपके दिमाग में क्या आएगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा आपके दिमाग में। आप खुद सोचिए, कोई भी हो, आदमी हो जिसके रोजगार नहीं है, घर पे बैठा हुआ, उसका क्या करेगा। अब हम लोग ट्रेनिंग कर चुके, हमारी एज इतनी हो चुकी है, हम लोग 30 साल क्रॉस कर चुके, अब हम लोग जाएंगे कहाँ, प्राइवेट नौकरी ढूंढे या पकौड़ा बेचे, वर्दी पहन के पकौड़ा बेचे, तो यही देखेगी, सब लोग देखेंगे, दुनिया वाले देखेंगे। हम लोग तो ये सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट से अब ऑर्डर आएगा, फरवरी से रिजर्व है ऑर्डर, सोच लीजिए फरवरी से ऑर्डर रिजर्व करके 8 महीने से पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं, सरकार नहीं पैरवी कर रही है ना कुछ कर रही है, घर बैठी। योगी सरकार 2017 में मार्च में चुनाव हुआ था, जुलाई में पहला पेपर यही कराई थी उसने, जुलाई में दिसंबर में, और सोच लीजिए आज 5 साल हो गया। कह रहे हैं कि 5 साल में जो पहली भर्ती वो नहीं क्लियर हुई। अब बताइए, अब रोजगार का हालत देखिए, ये सरकार मैम कहाँ दे रही है, ये सरकार रोजगार दे ही नहीं रही है। 2019 में मैंने CISF का क्वालिफाई किया है मैम, फिजिकल, लेकिन मैम 2021 आ गया, अभी तक उसका रिटर्न एग्जाम का कोई वो नहीं है। केंद्र सरकार की मैम नौकरी थी, लेकिन ना रिटर्न एग्जाम हुआ ना कुछ हुआ मैम। उम्र हमारी धीरे धीरे बीतती जा रही है और कुछ इस पे हो ही नहीं रहा है। रोजगार के मामले में मैम ये सरकार एकदम फेल है। और रही बात मैम तानाशाही, इतना बताइए, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कर रहा है कि अगर कोई भी कानून अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन करता है तो कानून को नहीं रखा जाएगा। फिर भी हर जगह 144 लगा दिया जा रहा है, जहाँ कोई पीड़ितों से मिलने जा रहा है आप उनको रोक रहे हैं, अखिलेश को रोक रहे हैं, प्रियंका जी को रोक रहे हैं, हाथरस में कांड हुआ वहाँ किसी को नहीं जाने दिए, फिर वहाँ पे लखीमपुर खीरी में इतना किसान नरसंहार हुआ वहाँ पे किसी को नहीं जाने दे रहे हैं। मतलब क्या आप दिखाना क्या चाहते हैं कि हमसे बड़ा तानाशाह कोई नहीं है। ये आप मैम, ये जो सरकार है, जो कहते हैं ना कि मतलब ये पूर्ण रूप से जैसे मैम आपातकाल नहीं लगाया है, असर दिखेगा 2022 में या नहीं? बिल्कुल दिखेगा मैम, हमारे युवाओं की तरफ से बिल्कुल। चाचा कह रहे हैं कि आप लोग के दिल में योगी जी रहते हैं, जुबान पे कोई कौन योगी जी, योगी जी ऐसा कुछ नहीं है मैम। योगी जी तो मारे हैं, बच्चों का फ्यूचर ही बर्बाद कर दिए हैं। जी मैम, चाणक्य ने कहा है जिस प्रदेश या जिस देश का राजा पुत्रहीन होता है उस देश का
प्रगति नहीं हो सकता। और ये सच है मैम, आज बच्चे इतने बेरोजगार पड़े हुए हैं लेकिन एक भी भर्ती सरकार ने नहीं कराई। अब लॉलीपॉप आ गया तो लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम यूपीपी की भर्ती निकालेंगे, लेखपाल की भर्ती। मैम पेट डाल दिया, पेट इन्होंने डाल दिया, बच्चे मर मर के पढ़ रहे थे, किसी तरह से ट्रिपल सी क्वालिफाई होकर चलिए लेखपाल की भर्ती आ गई, हम लेखपाल देखेंगे, फिर इन्होंने पेट ला दिया, अब पेट हर जगह एलिजिबल कर रहे हैं। तो ये तो इनकी नीतियां हैं मैम। अगर आप एग्जाम लीजिए प्राइमरी लेवल का मैम, जो बच्चा होगा वो तो सिलेक्ट होगा ही, ये पिट कराने की क्या जरूरत है। तो ये सरकार जो है देखिए सबको बेरोजगार बना रही है, रोजगार तो दे नहीं पा रही है, बेरोजगार बना रही है, और वो 2 किलो 4 किलो 5 किलो राशन पे आश्रित कर रही है कि लोग वही करके जिए, किसी तरह से जीवित रहें। ये सरकार इस बार कतई ही जाने वाली। इसको दिखा दीजिए, ये देश के वो युवा हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं लेकिन सरकार इनसे सेवा लेने को तैयार नहीं। ट्रेनिंग करा के घर बैठा चुकी है। अब मैं दिखा देता हूँ और भी। आपके ट्रेनिंग पे जो पैसा खर्चा हुआ वो सरकार ने किया ना? बताइए मैम, अभी इसने बता रहे हैं, अभी हम अगर दूसरे जॉब में जाए, अभी हम जा रहे हैं अपने विभाग में, कह रहे हैं कि हमको छोड़ दीजिए, हम जा रहे हैं दूसरे विभाग में नौकरी करने, तो विभाग जानती है हमसे कितना मांग रहा है? 5.5 लाख रुपया जमा करिए ट्रेनिंग का खर्चा, दिया एक पैसा नहीं, 5.5 लाख ऊपर से मांग रहे हैं, तब तो हम एनओसी देंगे। जैसे विभाग में क्या होता है, सरकार एनओसी वो कागज मिलती है कि हाँ आप हमारे विभाग से रिलीव कर दी, उसको मांगने के लिए हमसे तो आप लोग कोई जॉब नहीं कर सकते, प्राइवेट कर सकते हैं। हमें अगर प्राइवेट कर सकते हैं, अगर मैं दूसरे जॉब के लिए जाता हूँ, जैसे हम दोनों लोग ALP असिस्टेंट लोको पायलट के क्वालिफाई हम लोग का था, लेकिन हम लोग का 23 तारीख को वहाँ पे सेंटर पे बुलाया गया था और 28 को हमारा DV था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये दोस्त कह रहे हैं कि जाने दीजिए, हमारे पास तो एक जॉब है, दूसरा भाई के लिए छोड़ दीजिए, कोई अपना भाई होगा। सोचती कि भाई दो जॉब के लिए क्यों फंसा के रखे, और कोई लड़का पा जाएगा उस जगह पे, लेकिन अब हम लोग वहाँ जाके ट्रेन, अब जानती है पुलिस की ट्रेनिंग में वहाँ से छुट्टी नहीं मिलती, ना हम लोग DV कराई ना कुछ कराया, अब वहाँ से भी बैठ गए, यहाँ से भी हाथ धोए, वहाँ से भी हाथ धोए। योगी जी तो मारे हैं बच्चों का फ्यूचर ही बर्बाद कर दिए हैं। जिस मैम चाणक्य ने कहा है, जिस प्रदेश या जिस देश का राजा पुत्रहीन होता है उस देश का प्रगति नहीं हो सकता। और ये दिखा दीजिए, ये देश के वो युवा हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं लेकिन सरकार इनसे सेवा लेने को तैयार नहीं। ट्रेनिंग करा के घर बैठा चुकी है। हाँ क्या कह रहा है, 5.5 लाख रुपया जमा करो, दिया एक पैसा नहीं, वापस 5.5 लाख। आपने नौकरी नहीं दी, उल्टा पैसा मांग रहे हैं, कहाँ से ले आए, कहाँ से लेके आए? एक साल की ट्रेनिंग करने के बाद हमें घर बैठा दिया गया, कुछ नहीं बोला गया। अब सोच लीजिए कि एक ट्रेनिंग की हो, एक साल ट्रेनिंग कर चुके, उसके बाद घर भेज दिया गया, कुछ बताया नहीं गया। तब से हम लोग 15 महीने से घर पे बैठे हुए हैं, सरकार कुछ नहीं सुन रही है, रोजगार का